नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स स्टार पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 18 मार्च की रात पीएसएल का फाइनल मुकाबला हुआ और बेहद ही शानदार मुकाबला ये लाहौर के स्टेडियम में खेला गया, जहां पर आईपीएल जैसा रोमांच दिखा। जी हां, इतना बेहतरीन और रोमांचक मुकाबला हुआ कि सबको आईपीएल के फाइनल्स की याद आ गई, क्योंकि आईपीएल में ऐसा रोमांचक मुकाबला पहले भी देखा गया है। वहीं अब पीएसएल में जब इस तरीके का जबरदस्त मुकाबला देखा गया तो फैंस को आईपीएल की याद आ गई। आपको बता दें कि शानदार मुकाबला खेला गया लाहौर में। ये फाइनल मुकाबला था पीएसएल का और ये फाइनल मुकाबला खेला गया मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के बीच में, जहां पर लाहौर कलंदर्स ने शानदार तरीके से एक रन से जीत दर्ज की। आखिरी गेंद पर मुल्तान सुल्तान्स को 4 रन चाहिए थे, लेकिन टीम 2 ही रन बना पाई और 1 रन से मुकाबला गंवा बैठी। रोमांचक मुकाबले में शाहीन शाह अफरीदी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। उन्होंने बल्ले से भी पहले कमाल किया और उसके बाद फिर उन्होंने 4 विकेट लेकर अपनी टीम को मैच जिताया और मैन ऑफ द मैच रहे। इसी के साथ लाहौर कलंदर्स पहली ऐसी टीम बन गई जिसने बैक टू बैक 2 खिताब जीते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना रोमांचक मुकाबला पीएसएल में खेला गया। वहीं से पहले आपको बता दें कि आईपीएल में इस तरीके के फाइनल मुकाबले हो चुके हैं। 2017 और 2019 में इस तरीके का रोमांचक मुकाबला आईपीएल के फाइनल में हुआ था और दोनों ही बार मुंबई इंडियंस को 1-1 रन से जीत मिली थी। तो ऐसे में जब अब पीएसएल का यह मुकाबला इतना रोमांचक हुआ और खेला गया तो सबको निश्चित तौर पर आईपीएल की याद आई और सब यही कहने लगे कि यहां तो आईपीएल जैसा रोमांच दिखा। हालांकि आईपीएल 31 मार्च से शुरू होगा, वहां पर इससे भी बेहतरीन मुकाबले देखने को मिलेंगे, लेकिन पीएसएल के फाइनल की बात कर लें तो इस फाइनल मुकाबले में लाहौर कलंदर्स ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 200 रन कुल बनाए। मिर्जा बेग ने जिन्होंने 30 रन बनाए, इसके अलावा फखर जमान ने 39 रन की पारी खेली, सफीक ने 65 रन बनाए और अंत में कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने 15 गेंदों में 44 रन कूट डाले, जिसमें 2 चौके और 5 गगनचुम्बी छक्के शामिल रहे। इसके बाद 201 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुल्तान सुल्तान्स की शुरुआत ठीक ठाक रही। मोहम्मद रिजवान जो कि कप्तान है उस टीम की, वो 34 रन बनाकर आउट हो गए 23 गेंदों में और सबसे बेहतरीन पारी खेली उनके लिए रिली रोसू ने, जिन्होंने 52 रन बनाए 32 गेंदों में। इसके अलावा कायरन पोलार्ड, टिम डेविड जैसे बल्लेबाज फ्लॉप रहे और आखिर तक बहुत प्रयास करने के बाद मुल्तान सुल्तान्स 20 ओवर में 8 विकेट पर 199 रन ही बना सकी और उसे मुकाबला गंवाना पड़ा। आपको बता दें कि इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने के लिए शाहीन शाह अफरीदी को मैन ऑफ द मैच चुना गया और पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले एहसान उल्लाह को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया है। और इसी के साथ पीएसएल का ये सीजन खत्म हुआ और लाहौर कलंदर शानदार तरीके से चैंपियन बने और इस फाइनल मुकाबले को देखने के बाद सबको निश्चित तौर पर आईपीएल की याद आई है।